जम्मू बंद की कॉल का दिखा मिला जुला असर। अधिकतर बाजारों में दुकानें और कारोबार रहे बंद। पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर नहीं दिखा बंद का कोई असर। टोल प्लाजा मुद्दे को लेकर प्रदर्शनों का सिलसिला जारी। सरकार के खिलाफ लगातार फूट रहा लोगों का गुस्सा। शहरों से लेकर ग्रामीण हलकों तक सड़कों पर उतरे लोग। सांबा में आमरण अनशन स्थल पर डॉक्टरों की टीम मौजूद। अनशन पर बैठे लोगों के स्वास्थ्य पर रखी जा रही नजर। सरो टोल प्लाजा आंदोलन के चलते बैठे हैं अनशन पर। नमस्कार, जम्मू कश्मीर का ये बुलेटिन देख रहे हैं आप और मैं हूं प्रियंका गुप्ता आपके साथ। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे आज की अहम खबर के साथ। जिस तरह से सरोर टोल प्लाजा आंदोलन के बीच दी गई जम्मू बंद की कॉल का आज मिला जुला असर देखने को मिला है और जम्मू चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री द्वारा दी गई जम्मू बंद की कॉल को कई सियासी दलों के अलावा विभिन्न संगठनों व आम लोगों द्वारा समर्थन दिया गया है, लेकिन ट्रांसपोर्टरों ने अपने आप को इस बंद के दायरे से बाहर रखा है। जम्मू सहित संभाग के अन्य जिलों में जहां पर बाजार पूरी तरह से बंद रहे, वहीं पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट सुचारू रूप से चलता रहा। बंद को देखते हुए एहतियातन तौर पर पुलिस व केंद्रीय अर्धसैनिक बल भी जगह जगह पर तैनात रहे। और बात करें अगर कठुआ की, तो वहां पर कठुआ शहर पूरी तरह से बंद रहा, लेकिन जिले की हीरानगर सब डिवीजन के कारोबारियों ने बंद का समर्थन नहीं किया और वहां पर बाजार आम दिनों की भांति ही खुले रहे। सबसे पहले तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जम्मू से, जहां पर आप साफ तौर पर देख सकते हैं असर देखने को मिला है बंद का, बंद की कॉल का, जहां पर दुकानें आज बंद नजर आई हर जगह पर। और वहीं दूसरी ओर आप तस्वीर देख रहे हैं कठुआ की, जहां पर कठुआ में भी बंद का पूरा असर देखने को मिला है। पर वहीं इसके ऑपोजिट तीसरी तस्वीर आप हीरानगर से देख रहे हैं, जहां पर जैसे हर रोज बाजार खुले रहते हैं, आज हीरानगर भी खुला नजर आया है। तो फिलहाल आज जम्मू बंद की कॉल जो दी गई थी चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री द्वारा, अब उसके क्योंकि जो स्मार्ट मीटर्स हर जगह पर इंस्टॉल हो रहे हैं या फिर टोल प्लाजा का जो इशू है उसे लेकर आज बंद की कॉल दी गई थी। और अब बात करें जम्मू बंद की कॉल का, क्योंकि पहले ही ट्रांसपोर्टर्स और जम्मू बार एसोसिएशन द्वारा कहा गया था कि ये बंद कॉल को सपोर्ट करेंगे, पर फिलहाल अगर आज बात करें तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर इसका कोई भी असर देखने को नहीं मिला है। जिस तरह से हर रोज पब्लिक ट्रांसपोर्ट चलता था जम्मू में, वैसे ही चल रहा है। और बात करें अगर हीरानगर की, तो हीरानगर में इसका कोई भी असर देखने को नहीं मिला है बंद की कॉल का। और साथ ही अब जो ये जो दो मुद्दों को लेकर आज बंद की कॉल दी गई थी, उस पर आपको ऑल ओवर जानकारी देंगे कि कौन कौन से इलाकों में किस तरह का असर देखने को मिल रहा है। फिलहाल आपको तस्वीरें जम्मू से, कठुआ से और हीरानगर से दिखा रहे हैं। पुलिस जिस तरह से सिक्योरिटी फोर्सेस चप्पे चप्पे पर तैनात हैं और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, पर फिलहाल मिला जुला असर अगर बात करें पूरी तरह से देखने को मिल रहा है। और उसी के साथ जम्मू के साथ साथ जो बाकी डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहां पर भी पूरी तरह से बाजार बंद रहे हैं, पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट हर जगह चलता नजर आ रहा है। क्या है पूरी जानकारी, ग्राउंड का रुख करेंगे। हमारी संवाददाता शिल्पा हमारे साथ जम्मू से ज्वाइन कर चुकी हैं। शिल्पा, बताइएगा हमारे दर्शकों को फिलहाल जो आज बंद की कॉल दी गई थी, कहां कहां पर किस तरह का असर देखने को मिल रहा है इस बंद की कॉल का। देखिए, हर जगह पर मार्केट की बात करें तो व्यापार जो है वो इस वक्त ठप है। हर जगह दुकानें जो है वो बंद है और जिन इलाकों में अगर दुकानें खुली हुई है, मार्केट खुला हुआ है, तो उन्हें भी बंद जो है करवाया जा रहा है। दूसरी तरफ मैं आपको बता दी चलूं कि सिक्योरिटी जो है, सुरक्षा बल जो है, वो जगह जगह पर चप्पे चप्पे पर तैनात किए गए हैं। चाहे फिर वो सीआरपीएफ के जवान हो या फिर सीएसएफ के जवान हो, जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान हो, जगह जगह पर जो है इन्हें तैनात किया गया है। और इस वक्त काफी ज्यादा जम्मू में सिक्योरिटी टाइट देखने को मिल रही है। जम्मू बंद का जो
असर है, यानी कि आने वाले समय में जो है कहीं ना कहीं प्रशासन को इसका इफेक्ट जो है वो जरूर देखने को मिलेगा, क्योंकि लोग जो है आम जनता सड़कों पर रहे, चाहे फिर सोशल एक्टिविस्ट हो या फिर विपक्ष दल हो, लगातार जो है वो एक ही मांग कर रही कि सरोज टोल प्लाजा के मुद्दे को जल्द से जल्द हल किया जाए। हालांकि जिस तरीके से नितिन गडकरी ने एक टीम जो है वो भेजी है, पूरा दौरा जो है वो किया जाएगा और उसके बाद जायजा लेने के बाद ये फैसला लिया जाएगा, नतीजा सामने आएगा कि क्या टोल को बंद किया जाएगा या नहीं टोल को बंद किया जाएगा। लेकिन फिलहाल जो स्थिति इस वक्त बनी है, जो प्रदर्शन आंदोलन का रूप ले चुका है और इस वक्त जम्मू में काफी ज्यादा स्थिति माहौल जो है वो खराब हो चुका है, क्योंकि लोग सड़कों पर उतर चुके हैं, आम जनता जो है वो काफी ज्यादा आक्रोश और विरोध में जो है वो नजर आ रही है और जम्मू बंद इस वक्त पूरी तरीके से मार्केट बंद है। हालांकि जिन इलाकों में, जिन एरिया में मार्केट खुला है उन्हें भी बंद जो है वो करवाया जा रहा है। आवाम का क्या कहना है ये जानना बेहद जरूरी है, क्योंकि हमने ट्रेडर्स की बात की, पॉलिटिकल पार्टीज की बात करी, ट्रेडर्स एसोसिएशन के साथ साथ ट्रांसपोर्टर्स की बात की, उनका क्या कहना है, उन्होंने किस तरह से बंद का सपोर्ट किया है, पर सबसे बड़ी बात ये है कि आम आवाम का क्या कहना है इन दो मुद्दों को लेकर जिसपे आज जम्मू बंद है। देखिए, एक तरफ अगर तस्वीर देखी जाए जहां पर आम जनता, जम्मू बंद होने से काफी ज्यादा नुकसान भी होता है आम जनता को, क्योंकि व्यापार जो है वो पूरी तरीके से ठप होता है, तो कहीं ना कहीं एक तरफ जो है वो आम जनता नाराज भी नजर आ रही है। लेकिन दूसरी तरफ तस्वीर की बात करें तो मैक्सिमम आम जनता जो है वो सपोर्ट करती हुई नजर आ रही है, क्योंकि स्मार्ट मीटर हो या फिर सरोज टोल प्लाजा हो तो लगातार आम जनता जो है वो सड़कों पर है और इसको लेकर आम जनता का ये कहना है कि जम्मू बंद का जो कॉल दी गई है ये एक सही फैसला है, क्योंकि इससे ही शासन जागेगी और जल्द से जल्द जो है वो एक नतीजा सामने आएगा, चाहे फिर वो स्मार्ट मीटर हो या फिर सरोज टोल प्लाजा हो। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया शिल्पा हमारे से ज्वाइन करने के लिए। तो जिस तरह से शिल्पा जानकारी दे रही थी जम्मू की और जम्मू के लोगों से जब शिल्पा ने बात की, तो कहना है शिल्पा का कि जो आवाम है वो पूरी तरह से इसका समर्थन दे रही है, क्योंकि उनके लिए सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो स्मार्ट मीटर्स का है और सरोज टोल प्लाजा को लेकर भी जिस तरह से रिएक्शन सामने आ रहे हैं, पर फिलहाल आपको बता रहे हैं किस तरह का असर जो है देखने को मिल रहा है। तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि अगर जम्मू, कठुआ, हीरानगर और बाकी जगहों की बात करें तो आज जम्मू बंद की कॉल का मिला जुला असर देखने को मिल रहा है। और इसी बीच आज से पहले जिस तरह से हमें जगह जगह पर एहतजाज देखने को मिले, इसे लेकर जो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं या ट्रेडर्स एसोसिएशन है, ट्रांसपोर्टर्स हैं, उन्होंने प्रोटेस्ट किया और साथ ही जो युवा राजपूत सभा के मेंबर्स हैं उन्हें जो डिटेन किया गया है उनकी सपोर्ट में भी उन्होंने प्रोटेस्ट किया। और आपको बताते चले कि युवा राजपूत सभा के जो मेंबर्स इस पर एजिटेशन कर रहे थे सरोज टोल प्लाजा को लेकर, उसके अगेंस्ट एजिटेशन कर रहे थे, उसके बाद उन्हें डिटेन किया गया। आप कई संगठन जो हैं उनके सपोर्ट में उतरे हैं, पर चलिए अब रुक करते हैं कठुआ का, कठुआ से जान लेते हैं क्या कुछ जानकारी है। हमारे संवाददाता रंजीव कठुआ से ज्वाइन कर चुके हैं। रंजीव, बताइएगा, कठुआ में तस्वीरें अलग हैं, हीरानगर में अलग हैं। कठुआ में पूरी तरह से बंद का असर देखने को मिल रहा है, पर उसके ही बात करें ऑपोजिट हीरानगर की तस्वीरें हैं जहां पर सब खुला नजर आ रहा है, तो क्या लोगों का, दुकानदारों का क्या कुछ कहना है इस पे, और जिसने समर्थन किया उनका क्या कहना है, जिन्होंने बंद की कॉल का समर्थन नहीं किया उनका क्या कहना है? प्रियंका, मैं बताऊं कि ये जो बंद है आज, ये जो सरोज टोल प्लाजा का जो मसला चल रहा है और जो युवा राजपूत सभा के जो सदस्य हैं उनको गिरफ्तारी हुई है, उनकी रिहाई की मांग को लेकर और टोल प्लाजे को हटाने की मांग को लेकर, ये जम्मू बंद की जो कॉल है उसका कठुआ शहर में तो व्यापक असर है, लेकिन बाहरी इलाकों में, हीरानगर हो चाहे दिलावर हो चाहे बिसोली हो, वहाँ पर असर देखने को नहीं मिल रहा, क्योंकि वहाँ पर सभी दुकानें और सब कुछ खुला है। लेकिन बात करूँ कठुआ की, तो कठुआ में बंद की कॉल सर्व समाज द्वारा कल जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके शाम को दी गई थी, उनका कहना था कि युवा राजपूत सभा के जो सदस्य हैं उनकी रिहाई की मांग को लेकर और जो उन्होंने जम्मू के डोगरों के लिए और जम्मू के हक का एक मुद्दा उठाया था उसको लेकर ये जो बंद की कॉल है उसको पूरा समर्थन करते हैं। और लगातार मैं बताऊं कि अभी कठुआ में लगातार प्रोटेस्टों का सिलसिला शुरू हो चुका है, बाजार बंद हैं, लोग जगह जगह पर टायर जलाकर नारेबाजी कर रहे हैं और उनकी रिहाई की मांग कर रहे हैं। युवा राजपूत सभा के जो सदस्य हैं जिनको कठुआ की डिस्ट्रिक्ट जेल में बंद किया गया है, तो इसके चलते हीरानगर की बात करूं तो हीरानगर में
सब कुछ सामान्य रूप से चल रहा है, आम दिनों की तरह दुकानें सब खुली हैं। आज चौथा शनिवार होने के कारण बैंक तो बंद है, लेकिन जो व्यापारिक प्रतिष्ठान है वो सारे खुले हुए हैं, दुकानें सारी खुली हुई हैं। लोगों ने कहा कि उनको किसी ने कोई बंद के लिए नहीं कहा, तो भी इसलिए उन्होंने बंद नहीं किया है। अगर कोई संस्था आगे आती तो वह लोगों का समर्थन जरूर। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे से ज्वाइन करने के लिए। रंजीव हमारे संवाददाता कठुआ से ज्वाइन किए हुए थे, जो कठुआ की तस्वीरें फिलहाल दिखा रहे हैं, जहां एक तरफ कठुआ में पूरी तरह से बंद का असर देखने को मिल रहा है, वहीं हीरानगर पे आम दिनों की तरह ही सारा बाजार खुला नजर आ रहा है। जम्मू बंद को समर्थन दे रहे विपक्ष के सियासी दलों ने आज भी प्रदर्शन कर सरोड टोल प्लाजा के मुद्दे पर सरकार के नजरिए के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किए। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने आज पार्टी के जम्मू के संभागीय अध्यक्ष रतनलाल गुप्ता की अगुवाई में जम्मू में प्रदर्शन किया। वहीं पर पीडीपी ने पार्टी के वरिष्ठ नेता अमरीक सिंह की अगुवाई में प्रदर्शन कर सरकार पर लोगों पर जुल्म ढाने का आरोप लगाया। तो एक तरफ आप देख सकते हैं, अब जो ये मुद्दा है सरोड टोल प्लाजा का, इस पर सियासी गहमा गहमी भी देखने को मिल रही है। आप देख सकते हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से एक तरफ प्रदर्शन हो रहा है, वहीं पर दूसरी ओर बात करें पीडीपी की तरफ से हल्ला बोल किया गया है, प्रदर्शनों का सिलसिला जारी है, लगातार नारेबाजी सरकार के खिलाफ कर रहे हैं, और शहरों से लेकर ग्रामीण हलकों तक जो लोग भी हैं वो भी सड़कों पर उतरे नजर आ रहे हैं। और अगर बात करें भाजपा देश भर में जहां पर अपना स्थापना दिवस मना रही है, वहीं शहरों से लेकर ग्रामीण हलकों तक सड़कों पर लोग उतरे नजर आ रहे हैं, जो नारेबाजी कर रहे हैं। और चलिए रुक करते हैं, हमारे साथ हमारे संवाददाता जम्मू से अनिल ज्वाइन कर चुके हैं। अनिल, बताइएगा सबसे पहले अपडेट, जहां पर आवाम गुस्से में नजर आ रही थी, अब जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो भी सड़कों पर उतरी हैं। एक तरफ हम नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रदर्शन की तस्वीरें दिखा रहे हैं, दूसरी ओर पीडीपी की, क्या कुछ अपडेट है? हम सीधा भाषण करवाएंगे चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रधान अरुण गुप्ता जी हैं। अरुण जी, क्या कहना चाहेंगे आज के कौशल को लेकर? आज का जो बंद था वो एक सिंबॉलिक बंद था, इशू जो है वो बड़े क्लियर थे। हमने अपनी तरफ से दो ही इशू जो है सामने रखे थे, एक स्मार्ट मीटर का इशू था, जिसकी वजह से सारी जनता जो है वो परेशान है, पूरा डिवीजन जो है इस इशू को लेकर के परेशान। उस जो टोल प्लाजा जो है जहाँ पर रोड नहीं है तो वहाँ पर टोल जो है मुझे नहीं लगता है कि बजाय इसके कि हम लोग जो है एक्सक्यूज बोले, मैं सॉलिड का कुछ लेकर के पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव है उनके साथ बात करनी चाहिए थी, लेकिन वो बातचीत जो है वो नहीं हो पाई। रिटर्न में मैंने अपनी तरफ से मांगा, आप मुझे बताइए कि हमारी डिमांड्स के ऊपर आप रिटर्न में क्या क्या हमें दे रहे हैं। रिटर्न में हमें कुछ नहीं दिया गया, और जब तक आप रिटर्न में हमें नहीं देंगे तो चलते फिरते कोई भी डिसीजन जो है वो कभी हो नहीं सकता। जब भी कोई डिसीजन होता है वो कोई ना कोई ऐसा होता है, कोई ना कोई ऑर्डर नहीं करते हैं। और जिस तरह से मैंने बार बार कोशिश की कि भाई हम जो है अगर हमें रिप्लाई मिलता है और हमें ये जो चीजें हैं आप फोन जरा पास रखिएगा अनिल, ऑडियो का प्रॉब्लम आ रहा है। हम लोग बिजनेसमैन को नुकसान नहीं करना चाहते, बिजनेसमैन नुकसान में होता है तो चैंबर को परेशान नहीं करो, लेकिन जिस तरह के हालात बनते और बिजनेसमैन की हालात ऐसे बन गए थे कि मैंने जब परसों मीटिंग की आपके सामने, आप ही लोग आए हुए थे, तो 150 के लगभग जो बाजार एसोसिएशन है सभी यहाँ पर आई हुई थी, और उसी का नतीजा आप देखिए आज गली गली बंद है, आप बाजार बाजार बंद है, सड़कों से ट्रैफिक ऑफ है, तो इसका मतलब सीधा है कि लोग परेशान है, तभी ये चीजें। अरुण जी, इसका असर पड़ेगा, बंद का असर कुछ एडमिनिस्ट्रेशन पर पड़ेगा? देखिए ये तो अब एडमिनिस्ट्रेशन बता सकती है कि उनके ऊपर क्या असर पड़ा है, लेकिन मैं ये जरूर चाहूंगा
कि एडमिनिस्ट्रेशन को बजाय इसके कि हम लोग जो हैं और अपनी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, हमें एक टेबल पे बैठ करके बातचीत करनी चाहिए, जो हमारे इश्यूज हैं उनको अंडरस्टैंड करना चाहिए, हमारे इश्यू मीन्स कि पब्लिक के इश्यू, उनको अंडरस्टैंड करना चाहिए और अंडरस्टैंड करके उस पे कोई सोल्यूशन जो है वो एक सॉलिड सोल्यूशन, ये नहीं है कि आप हमें कह दें कि हाँ जी ये हो जाएगा, ये हो गया है, ऐसा नहीं होता। एक सॉलिड कोई भी आप हमें डिसीजन देंगे, हम बातचीत करने के लिए तो आगे बढ़ाया जा सकता है, ये आगे हम डिसाइड करेंगे जब भी, ये अभी हमारे त्योहार हैं, त्योहार निकलने दीजिए, फिर उसके बाद हम सिविल सोसाइटी, हमारी बिजार रजिस्ट्रेशन, इनके साथ बातचीत करके हम लोग डिसीजन करेंगे। जिस प्रकार से आपने देखा कि परीक्षा ये साफ जाहिर होता हुआ नजर आ रहा है कि जम्मू में किस तरह से रुख है और ये साफ मांग की जा रही है कि इन तमाम इश्यूज को जो है वो एड्रेस किया जाए और उनको सॉल्व किया जाए, मगर वहीं पर चैम्बर ऑफ कॉमर्स का कहना है कि अब त्योहारों का सीजन आ रहा है, अगर सरकार इस पर कोई रुख नहीं लेती है तो उसके बाद त्योहारों के सीजन के बाद जो है वो एक अगला का जो रुख होता है उस पर चर्चा करकर विमर्श कर जो है वो पूरी तरह से जड़ता से मत लेकर जो है वो आगे का रुख तय किया जाएगा। अच्छा अनिल, जिस तरह से इन्होंने बताया कि चीजों को समझने की जरूरत है, मुद्दों को समझने की जरूरत है और एक सॉलिड सोल्यूशन के साथ सामने आने की जरूरत है, और आवाम की बात करेंगे क्योंकि लोगों का ये कहना है कि चांद पर पहुंचना फिर भी आसान है पर कठुआ पहुंचना उससे ज्यादा मुश्किल है, इतनी बद से बदतर हालत वहां पे सड़कों की है, पर जब आप टोल लेते हैं तो जाहिर तौर पर आप फैसिलिटी देते हैं जो कहीं पर भी ग्राउंड पर नजर नहीं आ रही है। अब नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की टीम जिस तरह से पहुंचने वाली है, पर ये चीज पहले भी उनके नोटिस में थी, पर खैर टीम अभी आ रही है, तो अब जो ग्राउंड पे लोगों का क्या कुछ कहना है, लो आवाम क्या कह रही है इस हवाले से, क्योंकि दिक्कतें तो लोगों को हो रही हैं, तो क्या कहेंगे ऑल ओवर अगर टोल प्लाजा की बात करें, सरो टोल प्लाजा की, तो उस पर क्या कुछ रिएक्शंस अभी तक? देखिए रिएक्शंस ये साफ जाहिर है और ये दर्शाते हैं कि जो विभिन्न विभिन्न इलाकों में आपको प्रदर्शन नजर आ रहे हैं, महिला घर से बाहर नजर आ रही हैं, बुजुर्ग घरों से बाहर नजर आ रहे हैं, बच्चे घरों से बाहर नजर आ रहे हैं, और आज आवाजाही जो है वो आपको तकरीबन जो है 60% जो है वो हाईवे पे, चाहे वो रिहायशी इलाकों की बात करते हैं तो आपको तकरीबन कम नजर आएगी। ये इसी का खामियाजा जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन इस समय देख रही है कि लगातार सरकार ने जो तर्क रखा था कल दीप बम जम्मू की तरफ से और एडीजीपी मुकेश जी की तरफ से जो है पत्रकारों को संबोधित किया गया था, मगर उसके बावजूद भी जम्मू की जनता बाहर निकल कर आई है, मगर देखिए प्रशासन यहाँ पर आम जनता को समझा नहीं पा रहा है और आश्वासन में नहीं ले पा रहा है, मगर उसके बाद आप देखिए कि जनता का रुख तो साफ है, जनता का ये कहना साफ है कि जब तक, जिस तरह से आपने उदाहरण दिया कि चांद पर जाना आसान हो चुका है, मगर कछुआ सरोवर टोल प्लाजा का अगर आप आकलन करते हैं तो वो एक कठिनाई का रास्ता तय हो चुका है और जनता अपनी जिंदगी के लिए जो है वो जोखिम में जा चुका है, मगर अभी जिस तरह से नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ चीन जो है वो पहुंचेगी और उसके बाद वो वहां का स्ट्रेच का एनालाइज करेगी और वो एनालाइज करने के बाद वो रिपोर्ट दिल्ली में सौंपेगी और उसके बाद कितना समय निर्धारित होगा और कब वो स्ट्रेच पूरी तरह से बनकर तैयार होगा, ये एक बड़े सवाल खड़े होंगे। तब तक जनता किस तरह से पिसेगी, ये एक यहाँ पर सवाल है और अभी आने वाला समय बताएगा कि जनता का रुख किस तरह से रहने वाला है और जनता किस तरह से अपना रुख। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया अनिल हमारे ज्वाइन करने के लिए। अनिल ग्राउंड से जिस तरह से जानकारी दे रहे थे और तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, क्या लोग, क्या पॉलिटिकल पार्टीज, क्या ट्रेडर्स एसोसिएशन, हर कोई प्रोटेस्ट कर रहा है इस हवाले से, स्मार्ट मीटर्स का मुद्दा हो या फिर सरोवर टोल प्लाजा का। सरोवर टोल प्लाजा के विरोध में जम्मू में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव नरेंद्र गुप्ता की अगुवाई में प्रदर्शन किया और इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सरकार पर पुतला दहन कर अपना रोष जताया और ब्लॉक मेरा साहिब के मरालिया में भी बिछना और आजपुरा जम्मू साउथ के यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने युवा नेता खुशवंत सिंह की अगुवाई में सरोवर टोल प्लाजा को लेकर प्रदर्शन करते हुए सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। सतवारी ब्लॉक की पंचायत दड़प में भी ग्रामीणों ने स्थानीय सरपंच कश्मीर सिंह की अगुवाई में सरोवर टोल प्लाजा को हटाने की मांग लेकर प्रदर्शन कर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। तो वहीं अगर बात करें वकीलों की, तो वकीलों के एक गुट ने भी जम्मू में आज सरोवर टोल प्लाजा सहित अन्य मुद्दों को लेकर जम्मू हाईकोर्ट परिसर में प्रदर्शन कर अपनी मांगों के समर्थन में नारेबाजी की। चलिए अब रुक कर लेते हैं सांबा का, हमारे संवाददाता ऋषि खजूरिया हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। ऋषि बताइएगा,
सांबा से क्या अपडेट है इस हवाले से? तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं, क्या वकील, क्या लोग, क्या पॉलिटिकल पार्टी सभी सड़कों पर उतरे हैं और फिलहाल क्या कुछ रिएक्शंस वहां से सामने आ रहे हैं? देखिए प्रियंका, आपको बताते चले कि सांबा की जो इस समय स्थिति बनी हुई है, तमाम लोग जो है वो युवा राजपूत सभा के सपोर्ट में यहाँ अंचन पर बैठे हुए, बीते 4 दिनों से वो लगातार यहाँ पर बिना अन्न बिना पानी यहाँ बैठे हुए हैं और लगातार प्रशासन के अधिकारी उनको मनाने की कोशिश कर रहे हैं कि इसका कोई ना कोई हल जरूर निकलेगा, आप फिलहाल अपनी इस एजुकेशन को सस्पेंड कर दीजिए। लेकिन तमाम जो प्रोटेस्टर्स हैं उनका साफ तौर पर कहना है कि जब तक युवा राजपूत सभा के साथियों को रिलीज नहीं किया जाता या उनके ऊपर लगी जो है वो क्रैश नहीं हो जाती, तब तक हम यहीं पर बैठे रहेंगे। और खासी पर टोल प्लाजा की बात करें तो टोल जो है वो जल्द हटे, इसी डिमांड को लेकर जो वो लगातार ये आगे बढ़ रहे हैं लोग। अब देखना ये है कि क्या कुछ इसका निष्कर्ष सामने आता है। लेकिन अभी फिलहाल आपको बता दें कि प्रदर्शन सांबा में जारी है, तमाम इदारे जिसमें सोशल ऑर्गेनाइजेशन, सिविल सोसाइटी, तमाम विपक्षी पार्टियों के नेता इस समय जो है वो बैठे हुए हैं, लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और हर दिन यहाँ पर हुजूम जो है बढ़ता जा रहा है। लेकिन इसमें 2-3 अलग अलग इशू मैं आपको बताना चाहता हूँ। देखिए, एक तरफ अभी कुछ देर पहले प्रशासनिक अधिकारी पहुंचे, लगातार वहां यहां पहुंचते हैं, इनको मनाने की कोशिश करते हैं, वो नहीं मानते और इसी के साथ मेडिकल टीम जो यहां इनका स्वास्थ्य चेक करने के लिए पहुंच रही है, वो टीम जब यहां आती है व्यक्ति का यहाँ पर स्वास्थ्य जो है वो जांचा जाता है, जिनको लगता है कि वो बीमार हो चुके हैं, लेकिन तमाम लोग ये कह रहे हैं कि हम अपना स्वास्थ्य जांच नहीं कराएंगे, इसको लेकर भी वो रिफ्यूज कर रहे हैं। और दूसरी तरफ से ये अपडेट ये मिल रहा है कि जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी के अधिकारी हैं जो दिल्ली से यहाँ जम्मू कश्मीर का दौरा करेंगे, हाईवे का निरीक्षण करेंगे, वो बताया जा रहा है कि 29 तारीख को वे भी यहाँ पर पहुंचेंगे और वो अमृतसर से होते हुए जम्मू तक पहुंचेंगे, उसके बाद वो कश्मीर जाएंगे। 30 तारीख को वो जो है यहाँ चीफ सेक्रेटरी अरुण कुमार मेहता जी से मिलेंगे, एक रिपोर्ट जो नेशनल हाईवे को लेकर बनाई जाएगी, वो रिपोर्ट केंद्र में जाकर सौंपी जाएगी, उसके बाद ही कोई फैसला जो वो इस टोल को लेकर सामने आ सकता है। यानी ये एजुकेशन जो कि लंबी चल सकती है, इसको लेकर लगातार प्रशासन का विरोध हर जगह जताया जा रहा है, लेकिन हालात ऐसा लग रहा है कि कहीं तनावपूर्ण ना हो जाए, यहाँ लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना मुश्किल ना हो जाए, तमाम स्थिति पर नजर इस समय प्रशासन ने रखी है, तो हालात इस समय तनावपूर्ण होते ही नजर आ रहे हैं। आवाज एक ही है कि डोगरों का ये जो काज आगे बढ़ाया गया युवा सभा की तरफ से, उसको हमने साथ देना है और इस आंदोलन को तब खत्म करना है जब ये तमाम मांगे मान ली जाती है। बिल्कुल, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की जो टीम जल्द पहुंचने वाली है वहां पर, काफी वक्त हो गया है इस बात को उनके नोटिस में आए हुए। और उसी के साथ अगर बात करें फिलहाल स्मार्ट मीटर्स की और साथ ही साथ बात कर रहे हैं हम सरोवर टोल प्लाजा की, अगर आपके इलाके से बात करें वहां के डिस्ट्रिक्ट के लोगों का क्या कुछ कहना है स्मार्ट मीटर्स और सरोवर टोल प्लाजा को लेकर, किस पे लोग ज्यादा भड़के हुए हैं? देखिए बिल्कुल, इस समय जो लोग इस समय सड़कों पर हैं, टोल प्लाजा को एक विरोध जो वो लगातार टोल का जो वो किया जा रहा है, लेकिन दूसरी तरफ तमाम एक आम वर्ग के व्यक्ति की बात करें तो उनका साफ तौर पर कहना है कि हम स्मार्ट मीटर भी नहीं लगने देंगे। इससे पहले जो स्मार्ट जो मीटर्स लगाए गए थे वो किस खाते में डाले गए, अगर ऐसा लगता था प्रशासन को कि आने वाले समय में हमने स्मार्ट मीटर्स लगाने हैं तो पहले वो जो मीटरों का क्यों लोगों के ऊपर डाला गया, एक चीज। और कहने के लोगों का कहना है कि बिजली जो वो सही मात्रा में मिल नहीं पा रही है, लगातार लोगों को परेशान किया जा रहा है और उसमें जो हुक्मरान है वो लगातार एंटी पीपल पॉलिसी जो वो बना रहे, जो साफ तौर पर लोगों का कहना है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया ऋषि हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। ऋषि खजूरिया सांबा से अपडेट दे रहे थे और जिस तरह से वो बता रहे थे कि स्मार्ट मीटर्स को लेकर लोग बहुत ज्यादा भड़के हुए हैं, एक तरफ जहां सरोवर टोल प्लाजा को लेकर तो मुद्दा चल ही रहा है पर लोगों का कहना है कि ये स्मार्ट मीटर्स आजकल की महंगाई में बहुत बड़ी मार है। और तस्वीरें जगह जगह से आप देख रहे हैं, हर जगह पर जिस तरह से आज के प्रोटेस्ट को लेकर हल्ला बोल नजर आ रहा है। चलिए अब रुक करते हैं डोडा का। डोडा का जीएमसी अस्पताल एक बार फिर सुर्खियों में आ गया है और जिले के सबसे बड़े इस अस्पताल का मुख्य गेट जीएमसी प्रशासन द्वारा बंद कर दिया गया है, जिससे मरीजों और उनके तीमानदारों के लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो गई है। इस अस्पताल में दाखिल होने के लिए मरीजों और तीमानदारों को अब लंबा चक्कर काटना पड़ रहा है और ये मुख्य गेट क्यों बंद किया गया है, इस सवाल पर अस्पताल प्रशासन अपना पक्ष नहीं रख पाया है। इस खबर पर अपडेट
अपडेट लेंगे थोड़ी देर में। फिलहाल आप देख सकते हैं गेट पर जो ताला जड़ा हुआ है और जिले का सबसे बड़ा अस्पताल है ये, जिसका मेन गेट ही बंद कर दिया गया है। अब मेन गेट बंद कर दिया गया है, जाहिर तौर पर जवाब भी देना है कि क्यों बंद किया गया है। पर इस अस्पताल में जिस तरह से जो तीमानदार आ रहे हैं या मरीज आ रहे हैं, उनको एक बहुत लंबा चक्कर काटना पड़ रहा है। और गेट क्यों बंद किया गया है, इस सवाल पर अस्पताल प्रशासन ने अभी तक अपना पक्ष नहीं रखा है। अभी तक क्या कुछ स्टेटमेंट प्रशासन की तरफ से आई है, अस्पताल प्रशासन की तरफ से, वो जानेंगे थोड़ी देर में। हमारे संवाददाता वसीम गत्तू डोडा से ज्वाइन करेंगे। फिलहाल आपको बता रहे हैं जो वहां के लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि अस्पताल के मेन गेट को ही बंद कर दिया गया है। चलिए रुक करते हैं, वसीम हमारे संवाददाता डोडा से ज्वाइन कर चुके हैं। जी वसीम, बताइएगा अभी तक कुछ कारण सामने आया है कि क्यों इसका मेन गेट बंद कर दिया गया है? देखिए प्रियंका, जब से मेडिकल कॉलेज डोडा बना है, आलम यह है कि तब से मेडिकल कॉलेज ने कोई बड़ा काम नहीं कर दिखाया। हर दिन हम देख रहे हैं कि लोग काफी ज्यादा परेशान है। जिस तरह से आप देख रहे हैं कि तस्वीरें जो बता रही हैं कि मेडिकल कॉलेज डोडा का जो मेन एंट्रेंस गेट है उसको बंद कर दिया गया है। कारण अभी तक पता नहीं लग पाया कि किस कारण। कल भी मेडिकल कॉलेज डोडा गया था इनकी जो हायर अथॉरिटीज है उनसे बातचीत करने के लिए, मगर वहां पे हमें कोई नहीं देखा। और हम देख रहे हैं कि आम जनता भी अब सामने निकल के आ रही है, क्योंकि काफी ज्यादा घूम के उनको आना पड़ रहा है जो दूसरा गेट इसका है वहां से, और भद्रवा किश्तवाड़ डोडा से जिस इलाके से भी लोग आते हैं यही मेन एंट्रेंस गेट है उनके लिए, और नजदीक रास्ता यही है। इसको बंद कर दिया गया है, और जैसे हम जेल के अंदर जैसे जाते हैं वहां पे इस तरह का तस्वीरें हमें देखने को मिल रही है। तारे लगा दी गई है, रास्ता बंद कर दिया गया है, क्रैश सामने बैरिकेड्स लगाए गए हैं। तो अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है, और हम देख रहे हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज के लोग भी सामने आ रहे हैं जिनका ये साफ तौर पे कहना है कि अगर मंडे सुबह 10 बजे तक इसको नहीं खोला जाएगा तो आने वाले टाइम में मेडिकल कॉलेज के ऊपर जो हम प्रोटेस्ट करेंगे, सड़कों पे हम बैठेंगे। और मेडिकल कॉलेज जिस तरह से लगातार हम देख रहे हैं कि सुर्खियों में है, आप देखते हैं कि किस तरह से डिप्टी कमिश्नर डोडा विशेष पाल महाजन जी भी वहां पे जाते हैं और सरप्राइज विजिट करते हैं, और मेडिकल कॉलेज की जो हायर अथॉरिटीज है उन पे कई सारे सवाल होते हैं। अगर मेडिकल कॉलेज की हायर अथॉरिटी जो है काम करती तो डिप्टी कमिश्नर डोडा को वहां पे नहीं जाना पड़ता। तो आप देख रहे हैं कि किस तरह से मेडिकल कॉलेज का जो अमला है उस पे सवाल उठते हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। तो मेडिकल कॉलेज पर बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं जिसका फिलहाल अभी तक कोई भी जवाब नहीं दे रहा है। अभी के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।